दमन परशुराम समारोह समिति अजमेर के बैनर तले ब्राह्मण समाज के अलग अलग संगठनों की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मंदिर मठों के पुजारियों कर्मकांड से जुड़े अन्य सेवादारों के साथ ही जरूरतमंद ब्राह्मण समाज सदस्यों को खाद्य सुरक्षा योजना और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग रखी गई। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार द्वारा कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिससे कि मंदिर मठ का कर्मकांड करने वाले सेवादारों को बेहतर सुविधाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, लेकिन कई स्थानों पर समाज के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। ऐसे में उन्हें खाद्य सुरक्षा के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए और मंदिर के पुजारियों व अन्य लोगों को आर्थिक मदद भी दी जानी चाहिए। इसे लेकर आज ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। हमारी मांग राज्य सरकार से ये है कि जो पुजारी पंडे हैं और जो पुरोहित गिरी करते हैं, उन ब्राह्मण परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए। साथ में हमारी मांग ये भी है, जो आज राज्य सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया है, आधी अधूरी ऐसी सुविधाओं के साथ पूरे उनको आज़ादी दी जाए विप्र कल्याण बोर्ड को, ताकि वो सर्वे करा सके और उनको उचित लाभ दिला सके। आज जिस प्रकार राज्य सरकार के विप्र कल्याण बोर्ड की बात हो रही है, विप्र कल्याण बोर्ड ने ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाए हैं जिससे कि सीधे जो मठों में या मंदिरों में जो पुजारी हैं उनका कोई इससे लाभ हो रहा है। आज हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसके अंदर हमने मांग की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जो भी मंदिरों में पंडित पुजारी कार्य कर रहे हैं उनको जोड़ा जाए। पिछली सरकार के अंदर देवस्थान विभाग का निर्माण हुआ था, देवस्थान विभाग के अंतर्गत जो चयनित मंदिर थे उनके अंदर मानदेय चालू किया था, लेकिन वो मानदेय इतना कम है, 1200 रुपये से 5000 रुपये, जबकि मिनिमम वेजेस 6200 रुपये होता है। तो जब सरकारी तय 1200 से 5000 कर रही है, तो मेरा मानना है कि जिला कलेक्टर महोदय को हमारे जो मंदिरों के अंदर पुजारी कार्य कर रहे हैं उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि इसके लिए जो इनकी मांग रहती है कि भाई आप श्रमिक कार्ड में, आपके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए, बीपीएल होना चाहिए। आज बीपीएल श्रमिक कार्ड ऐसे लोगों के पास है जो कार्ड मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो गरीब पंडित और जो पुजारी लोग हैं वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका घर नहीं चल रहा है। हम सभी विप्र समाज के लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनका कल्याण हो, और हम हमारी बात प्रधानमंत्री तक, हमारी बात मुख्यमंत्री तक और विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष तक पहुँचाएँ, जिससे उनका कल्याण हो।